एवरीवन। अच्छा जी, अब हम करते हैं हमारी नोज़ की अगली कंडीशन है, दैट इज़ नेजल मेसिस। ठीक है, इसका नाम आप बहुत सारी एसोसिएटेड कंडीशंस में और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस में सुनेंगे। ये बहुत ही कंडीशन वैसे मतलब याद करने में समझने में सिंपल है, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन ऑल्सो, क्योंकि ये कॉमनली हो जाती है। इतनी कॉमन तो है, मैंने लाइक उस तरह कॉमनली नहीं कि हर दूसरे बंदे को हो जाती है, लेकिन इट कैन प्रेजेंट एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी कंडीशन, तो इसलिए आपको आनी चाहिए। ठीक है, नेजल मेसिस इज प्रेजेंस ऑफ मैगट्स इन द नोज। आपने देखा होगा अगर आपने एनाटॉमी जब पढ़ी थी, एंड अगर आपको कभी डेड बॉडीज के साथ कोई आपने देखा हो उनको, तो यू माइट हैव सीन कि अगर डेड बॉडीज कुछ ऐसे पड़ी रहती तो उनमें छोटे छोटे कीड़े डेवलप हो जाते हैं। उन कीड़ों को मैगेट्स कहते हैं हम, बिल्कुल ऐसे क्रॉलिंग छोटे छोटे से होते हैं, वो मैगेट्स होते हैं बेसिकली। वो क्या होता है कि आपके पास जो डेड बॉडी होती है ना, उसके सेल्स कर रहे होते हैं एट्रोफी, या फिर उनके सेल्स जो है वो ज़ाहिर टूट रहे होते हैं, डिस्ट्रक्शन हो रही होती है उन सेल्स की। तो उन सेल्स में से एक पर्टिकुलर सी स्मेल, ज़ाहिर है डेड बॉडी से आपको स्मेल आती है, वो जो स्मेल होती है ना, उससे हमारे पास फ्लाइज जो है, हमारी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लाइज है, मक्खियाँ हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं। वो मक्खियाँ जब आती हैं ना डेड बॉडी पे, तो वो वहाँ पर एग्स ले कर देती हैं। एक मक्खी कम से कम 200 अंडे देती है। ठीक है, वो जो 200 एग्स वहाँ पर ले करती है ना, वो दो चार दिन लगाने के बाद हैच हो जाते हैं। वो जब टूटते हैं वो एग्स सारे के सारे, तो उनमें से फिर निकलते हैं छोटे छोटे से कीड़े, जिनको हम कहते हैं मैगेट्स। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि डेड बॉडी में कहानी हो रही है। यही सेम कहानी अगर आपकी नोज में हो रही हो, आपकी नोज में सपोज एज आफ्टर एट्रोफिक राइनाइटिस, आपको बताया एट्रोफिक राइनाइटिस में क्या होता है, आपकी नोज में भी एट्रोफी हो रही होती है सेल्स की, या फिर सिफिलिस में या ट्यूबरकुलोसिस में, या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी नोज की डिस्ट्रक्टिव लीजन हो रही है। ठीक है, आपकी नोज में बोन या कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन हो रही है, कोई भी ऐसी कंडीशन हो, उस कंडीशन में आपकी, ज़ाहिर है मैंने बताया था कि फाउल स्मेल भी प्रोड्यूस होती है। वो जो फाउल स्मेल है वो आपकी फ्लाइज को अट्रैक्ट करती है। फ्लाइज, अगर पेशेंट की पर्सनल हाइजीन अच्छी है तब तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर हाइजीन भी अच्छी नहीं है, इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारे तो वो भी अच्छी नहीं है, तो फिर वहाँ पर फ्लाइज आती हैं और वो अंडे दे देती हैं। एक फ्लाई भी आएगी तो वो 200 अंडे दे देगी, और जब वो अंडे हैच करेंगे, जब वो एग्स हैच करेंगे, तो फिर उनमें से निकल आएंगे छोटे छोटे से मैगेट्स। वो जो मैगेट्स होते हैं पहले तो बहुत छोटे होते हैं और पेशेंट को नहीं पता होता। तो शुरू में पेशेंट की कंडीशन में जब वो मैगेट्स यानी बनते हैं, सारे एग्स हैच होते हैं, तो शदीद किस्म क्या होता है ना, कोई भी फॉरेन बॉडी आ गई ना, शदीद किस्म की स्नीजिंग, छींके बहुत ज़्यादा आती हैं, आंखों से पानी आने लग जाते हैं, लैक्रिमेशन होती है, साथ पेशेंट को बहुत इंटेंस इरिटेशन हो रही होती है नाक में, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था मसला क्या है। वो नोज प्रिकिंग बार बार करते हैं, हो सकता है कि उसकी वजह से उसको नाक से खून भी आने लग जाए, नेजल एपिस्टैक्सिस भी शुरू हो जाए। तो उस कंडीशन में जब पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, जब मैगेट्स छोटे छोटे होते हैं, तो वो हो सकता है कि एपिस्टैक्सिस की तरह प्रेजेंट करें। अच्छा, फिर क्या होता है कि हमारे पास, हाँ, वो पेशेंट एपिस्टैक्सिस के तौर पर प्रेजेंट करते हैं और शुरू में नहीं पता चलता, लेकिन जब 3-4 दिन गुजरते हैं, वो मैगेट साइज में बड़े होते हैं, तब ऐसा होता है कि वो मैगेट्स आपकी नाक से क्रॉल करके बाहर भी आ सकते हैं, यानी कि फिर वो आप बहुत ज़्यादा इरिटेशन वाली एक कंडीशन डेवलप हो जाती है। और ये मैगेट्स कोई थोड़ा बहुत नुकसान नहीं करते आपकी नोज़ में, क्योंकि कीड़े हैं ना आसपास के सारे स्ट्रक्चर्स में घुस के, साइनसिस की, आपकी कार्टिलेज के दरमियान में सेप्टम की साइड पे लैटरल वॉल की इतनी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं कि कई बार तो ऐसा होता है अगर मतलब उसको अटेंड ना किया जाए जल्दी, तो आपका सारा एरिया जो है ना नोज़ के आसपास का सारा खाया जाता है। इस तरह किस्म के होते हैं मैगेट्स। ठीक है जी, तो इसमें फिर आपकी ट्रीटमेंट क्या करनी है कि अगर आपके पास पेशेंट आया है, आपने सारे जो नज़र आ रहे हैं सामने उनको फौरी तौर पे फॉर्सेप्स से पकड़ के रिमूव करना होता है, लेकिन अब मसला है कि आप उसमें जैसे ही नाक में रोशनी डालेंगे तो कीड़े हैं ना वो फौरी तौर पे उनके जहाँ जहाँ पर डार्क एरियाज नजर आएंगे वहाँ छुपने की कोशिश करेंगे। और डार्क एरिया कहाँ होगा, उन्हें ऑस्टिया नजर आएंगे साइनसिस के, या उन्हें पीछे की तरफ नेसोफेरिंक्स नजर आएंगे, पीछे जाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा वर्सन हो सकती है। तो ज़रूरी ये है, बेहतर यही होता है कि अगर आपको पता है कि मैगेट से, तो सबसे पहले आप नाक में या तो क्लोरोफॉर्म डालें या फिर वॉर्म सेलाइन से उसको वॉश करें ताकि जो है वो मर जाए, और फिर उसके बाद आप उनको फॉर्सेप्स से पकड़ के रिमूव करें, और फिर आप अच्छी तरह से नेजल डूशीज यानी कि अच्छे से उसको नॉर्मल सेलाइन से वॉश करेंगे, ताकि आपके जितने भी रेजिडुअल मैगेट्स हैं जो मर गए हैं, जितनी भी क्रस्टिंग नोज की हुई हुई है, जितने क्लॉट्स बने हुए हैं, जितना भी रेजिडुअल मैटर है जो वहाँ पड़ा हुआ है, वो सब कुछ रिमूव हो, नाक अच्छे से साफ हो। और उस पेशेंट को लाजमी तौर पे कहना है कि अपने आप को फ्लाइज से, मक्खियों से बहुत दूर रखे, क्योंकि अगर एक भी मक्खी दोबारा आ गई तो ये साइकिल कंटिन्यू हो सकती है और फिर बहुत ज़्यादा वर्सनिंग हो सकती है कंडीशन की। और नेजल हाइजीन के बारे में हर पेशेंट को बताना, चाहे वो मैगेट्स का यानी नेजल मेसिस का पेशेंट हो या ना हो, कि नेजल हाइजीन किस तरह मेंटेन रखी जाती है और क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ये आपकी एक कंडीशन थी नेजल मेसिस की। कोई भी मसला हो इसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।